सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले अदानी ग्रुप के बारे में। जी हाँ, अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक में हम आज फिर से बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, जहाँ पे अदानी एंटरप्राइज में हमने ऑलमोस्ट 6.37% का गिरावट देखा, अदानी पोर्ट में ऑलमोस्ट 9% का गिरावट हमने देखा। सबसे ज़्यादा अदानी पोर्ट ही गिरा, वही अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस में 5% का लोअर सर्किट लगा, अदानी पावर भी 5% तक गिरा। इसके पीछे क्या रीज़न है? अदानी ग्रुप के जो सारे स्टॉक है, ये वीक उनके लिए बहुत ही ड्रामेटिक रहा। हम जानते हैं सैटरडे को एक ट्वीट आया था, उसके बाद मंडे को सारे स्टॉक में बहुत बड़ा गिरावट हमने देखा। सैटरडे को सुचिता दलाल ने ट्वीट किया था अबाउट सम ग्रुप ऑफ कंपनी, उसके बाद हमने क्या देखा, मंडे को 43,000 करोड़ के FPI अकाउंट को फ्रीज किया गया। इस अकाउंट फ्रीज के पीछे जो रीज़न था वो था उनका ओनरशिप क्लियर नहीं था, यानी उनको जो KYC सबमिट करने के लिए बोला गया था उन्होंने वो नहीं किया था, इस कारण 43,000 करोड़ के FPI अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, जिस कारण अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक में हमने बहुत बड़ा गिरावट देखा ऑन दैट पर्टिकुलर डे। एंड लोअर सर्किट लगने का जो मेन रीज़न है वो है प्रोमोटर्स होल्डिंग। अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक में प्रोमोटर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, 65-75%। उसके बाद आता है FII या फिर FPI का, जो भी 20% के ऊपर है। एंड DII होल्डिंग एंड पब्लिक होल्डिंग बहुत ही कम है, जिस कारण जब इन सारे स्टॉक में बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिला तो इसमें बहुत जल्दी लोअर सेक्टर लगना शुरू कर हो गया। एंड बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें ट्रैप हो गए और उनको नुकसान हो गया। नाउ ये तो हो गया मंडे की बात, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया अदानी ग्रुप की तरफ से, क्लैरिफिकेशन आया NSDL की तरफ से, क्लैरिफिकेशन है। एंड सारे स्टॉक में हमने रिकवरी भी फिर से देखा, लेकिन फिर आज ऐसा क्या हो गया कि फिर से सारे स्टॉक में हमने गिरावट देखी? इसके पीछे जो मेन तीन रीज़न है उसको हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला रीज़न है ओवर वैल्यूएशन। अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड है, ऐसा हम जानते हैं, जहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट 10%, अदानी एंटरप्राइज 12 times, एंड अदानी पोर्ट का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 3.5-4 times बढ़ गया इन 1 ईयर। ऐसा उनके फंडामेंटल में कुछ नहीं हुआ था, यानी उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस था या फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल में ऐसा कोई चेंज नहीं आया। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि अदानी ग्रुप के स्टॉक प्राइस के बढ़ने के पीछे जो रीज़न है वो नॉर्मली FII या फिर ऑपरेटर्स के द्वारा प्ले किया गया गेम ही है। एंड इसमें हमने रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप ना होने की भी सजेशन दिया था, क्योंकि इस स्टॉक में जो बढ़ने का रीज़न था उसको हमको भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज जो गिरावट आया है उसके पीछे मेन रीज़न है ओवर वैल्यूएशन। नेक्स्ट जो रीज़न है वह सॉफ्ट रिएक्शन। इतना बड़ा ट्वीट आने के बाद अदानी ग्रुप का तरफ से जो रिएक्शन था वो बहुत ही सॉफ्ट था, यानी उन्होंने जस्ट ये कहा कि ये सब झूठ है एंड इन्वेस्टर को इस बातों में आना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने उस चैनल या फिर उस ट्वीट के खिलाफ कोई बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। एंड FPI की तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव न्यूज़ हम कह सकते हैं, जिस कारण वो भी स्टॉक से एग्जिट लेना शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जो FPI थे वो 2016 के केसेस में भी शामिल थे। 2016 में भी ऐसा ही कुछ केस हुआ था रिगार्डिंग सम अदर कंपनी, उसमें भी इनमें से बहुत सारे FPI शामिल थे, जो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही बहुत ख़राब है। नाउ अगर हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, देन इन दैट केस भी प्रोमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा एंड FPI इन्वॉल्वमेंट हाई होने के कारण लोअर सर्किट लगने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। जो DIA है वो इसलिए स्टॉक में इन्वेस्टेड है क्योंकि बहुत सारे अदानी ग्रुप के कंपनीज है वो इंडेक्स में है, यानी वो पैसिव मैनेज फंड को भी ना चाहते हुए भी स्टॉक में प्रोपोर्शन के हिसाब से बाइंग करना पड़ता है। इसलिए ना चाहते हुए भी DII का बहुत बड़ा होल्डिंग तो नहीं, लेकिन 6-7% स्टेक अदानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक में ही है। जो इन्वेस्टर इसमें बहुत सारे ऐसे भी है जो सिर्फ मोमेंटम के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टेड थे, यानी उनको ऐसा अदानी ग्रुप के स्टॉक से या फिर बिजनेस से कोई प्यार या लगाव नहीं था। उन्होंने इस स्टॉक में इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि इन स्टॉक में बहुत ज़्यादा मोमेंटम था। नाउ अभी मोमेंटम खत्म होने को आया है, इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी है जो इस चीज़ से निकल रहे हैं, जिस कारण भी अदानी ग्रुप के स्टॉक में फिर से हमने बहुत बड़ा सेल देखा। एंड ऑलमोस्ट इन 4 days अदानी पोर्ट के स्टॉक में तो ऑलमोस्ट हमने 200 rupees का करेक्शन देखा, फ्रॉम 850 to ऑलमोस्ट 650। नाउ
अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक है उसमें अदानी पोर्ट ही ऐसा कंपनी है जो निफ्टी 50 का पार्ट है एंड थोड़ा रिलायबल भी है। अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन, ये बहुत ही वोलाटाइल स्टॉक है। सो अगर मैंने पहले भी कहा था, अगर अदानी पोर्ट इन रीजंस की वजह से गिरता है ना, आपको ये 600 के करीब मिलता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें एक्युमुलेशन करना शुरू कर सकते हैं। 600 इज अ गुड प्राइस टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, पर अपने इन्वेस्टमेंट का 25% इन्वेस्ट कीजिए। यानी अगर आप 100 अदानी पोर्ट में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें से ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। एंड अगर ये और गिरता है देन आपको फिर से हम वीडियो के जरिए ये बताएंगे कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एंड अगर ये फिर से रिकवर करके ऊपर की तरफ जाता है, सो आप इसको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। नाउ ये था एक शॉर्ट एनालिसिस अबाउट अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज क्यों गिर रहा है इसके बारे में हमने एनालिसिस किया एंड आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हमने बताया। अदानी पोर्ट एंड अदानी ट्रांसमिशन बहुत ही वोलेटाइल है, फिर भी अदानी ट्रांसमिशन अगर यहाँ से गिरता है या फिर अदानी एंटरप्राइज यहाँ से गिरता है, सो बहुत ज़्यादा गिरावट से पहले इसमें एंट्री मत कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसमें करेक्शन भी बहुत ही फास्ट होगा, या अगर इसमें करेक्शन होता है तो। सो अलर्ट रहिए एंड नेक्स्ट वीडियो के जरिए हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।